मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकेंगे और उसको आप देख सकेंगे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से किसी भी ऐप्स के वीडियो कॉलिंग को, चैटिंग को अपने मोबाइल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ईमो से या व्हाट्सएप से अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो हमारा मन करता है कि उसके वीडियो कॉलिंग को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये सब बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। तो मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीचे आ गया स्क्रीन रिकॉर्डर, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको आप इंस्टॉल करके अपने वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हूँ। और दोस्तों, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन और मिल जाएगी, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। ये भी बहुत बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं दो इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि एक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और दूसरे से मैं आपको ओपन करके बता दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसकी कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहां से स्टॉप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे दिया है सो रेड ब्लिंकिंग डॉट, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल टाइम लिमिट, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इसको एडिट कर दीजिए और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2400 सेकेंड हो गया। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सबका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 100 टचेस ऑन कर सकते हो, आप जहाँ पे टच करोगे बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। अब दोस्तों, जैसे मैं किसी दोस्त से वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ या तो चैटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद रेड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, मेरा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3, 2, 1 रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चैटिंग कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि डबल रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आपको यहाँ से नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप का, तो आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे स्टॉप पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर मैं चैटिंग कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी के वीडियो कॉलिंग को, ऑडियो कॉलिंग को, चैटिंग को अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।